Then void. Calculate for calculating the area of circle. Then void display. या पूर्ण डेटा आप कोई भी ले सकते हो. फाइन. तो ये हम तीन फंक्शन का यूज यहाँ पे करने वाले हैं. फॉर गेट डेटा इज दिस फंक्शन इज यूज फॉर असाइन द वैल्यू द रेडियस फाइंड फ्रॉम द यूजर. देन सेकंड कैलकुलेट. कैलकुलेट फंक्शन इज यूज फॉर कैलकुलेटिंग द एरिया ऑफ सर्कल. एंड देन सेकंड थर्ड वन इज डिस्प्ले. डिस्प्ले फंक्शन इज यूज फॉर डिस्प्ले देयर वैल्यूज टू द डिस्प्ले स्क्रीन या आउटपुट स्क्रीन. फाइन. तो यहाँ पे हम क्या करना है, इंटरनली इंटरनली दिस थ्री फंक्शन को यहाँ पे डिफाइन करना है. ओके. सो लेट्स सी हाउ टू डिफाइन दिस थ्री फंक्शन इंटरनल प्रोसेस. फाइन. सो वॉइड फर्स्ट फंक्शन इज रीड. रीड फंक्शन इज यूज फॉर एसेसिंग या असाइन द वैल्यू टू द आर वेरिएबल, दैट मींस रेडियस फ्रॉम द यूजर. सो हम रीड फंक्शन में क्या करेंगे, रेडियस को हमें क्या करना है, इनपुट लेना है फ्रॉम द यूजर थ्रू द कीबोर्ड. सो सी आउट क्या एंटर करना है हमें, रेडियस. एंटर रेडियस. फाइन. देन सी आर, दैट मींस आर फॉर रेडियस. ओके. ये हो गया. यहाँ पे क्या हो गया, रेड फंक्शन का यूज करते हो क्या कर रहे हैं, बाय यूजिंग कीबोर्ड वी कैन इनपुट द रेडियस ऑफ वैल्यूज. फाइन. देन सेकंड फंक्शन, सेकंड फंक्शन कौन सा है, कैलकुलेट. हमें क्या करना है, सर्कल का एरिया कैलकुलेट करना है. सो वॉइड कैलकुलेट. कैलकुलेट फंक्शन इज यूज फॉर कैलकुलेटिंग द एरिया ऑफ सर्कल. फाइन. देन आर ए इक्वल्स टू, ए मीन्स एरिया ऑफ सर्कल 3.14, दैट इज पाई वैल्यू ऑफ पाई इनटू आर इनटू आर. फाइन. देन थर्ड फंक्शन इज डिस्प्ले फंक्शन, दैट मीन्स पुट फंक्शन. दिस फंक्शन इज यूज फॉर डिस्प्लेइंग द वैल्यूज, देयर वैल्यूज, दैट मीन्स एरिया ऑफ सर्कल ऑन द आउटपुट स्क्रीन. ओके. सो लेट्स सी व्हाई डिस्प्ले फंक्शन. सी आउट आपको क्या डिस्प्ले करना है, एरिया ऑफ सर्कल. फाइन. सो एरिया ऑफ सर्कल एंड ए. फाइन. ओके. तो यहां पे हमने क्या किया है, थ्री मेंबर फंक्शन लिए हैं जो कि हमने इंटरनली क्लास में डिफाइन किए. फाइन. जो है रीड, कैलकुलेट एंड डिस्प्ले. ओके. अब हमें क्या करना है कि हमें ऑब्जेक्ट, जब तक हम ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करेंगे तब तक हम ये फंक्शन को एसेस नहीं कर सकेंगे, यूज नहीं कर सकेंगे. फाइन. जब तक हम ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करेंगे कुछ भी यहाँ से प्रोसेस नहीं होगी. सो लेट्स सी एंड मेक अ ऑब्जेक्ट टू द क्लास सर्वर. फाइन. सो हम ऑब्जेक्ट कहाँ पे क्रिएट करते हैं, मेन प्रोग्राम में क्रिएट करते हैं. सो मेन मेथड को यूज करेंगे और ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे. सो मेन मेथड क्या होती है, वॉइड मेन. ओके. देन हाउ टू क्रिएट अ ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास, व्हाट इज द सिंटैक्स ऑफ मेकिंग अ ऑब्जेक्ट विद इन द क्लास. सो सिंटैक्स इज क्लास नेम एंड वेरिएबल नेम. ओके. सो हमारा क्लास नेम क्या है, सर्कल. एंड आप ऑब्जेक्ट नेम कोई भी ले सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे सी लिया. फाइन. सो फर्स्ट वी क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ सर्कल क्लास. सो सर्कल एंड
मेंबर फंक्शन को अगर क्लास के बाहर डिफाइन करना है तो मस्ट बी यूज स्कोप रिजर्वेशन ऑपरेटर टू डिफाइन द स्कोप ऑफ द मेंबर फंक्शन विद इन द क्लास. ओके, जैसे ही हम